ये गोविंद है, सराय काले का फ्लाईओवर के नीचे फुटपाथ पे रहता है। विकलांग है तो सोसाइटी पे डिपेंडेंट है। ठंड के नाम पर एक पतली सी ब्लैंकेट है जिससे कभी फुटपाथ को कवर करता है और कभी खुद को। रात को यहीं सोते हो? ठंड तो लगती होगी रात को इसमें। विकलांग कौन है तुम कह रहे थे? विकलांग? अच्छा, पैर में लगी हुई। ज़्यादा ठंड लगती है तो क्या करते हो? यहीं रहते हो? कुछ लोग आते हैं मदद करने? कोई नहीं आया। खाने पीने का कैसे करते हो? सरदार जी आते हैं खाना बांटने। आपने गोविंद को देखा ना? और गोविंद जैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हेल्प की ज़रूरत है इस ठंड में, इस मौसम में। और खाली एक, दो, चार या दस लोग या एक ऑर्गेनाइजेशन ये रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं कर पाएंगी। सो मेरे ख्याल से इंडिविजुअली भी हम लोगों को सबको अलग अलग और कोलैबोरेटिव होके जैसे भी सबको स्टेप लेना होगा, तभी इन सब की हेल्प हो सकती है। और आई रियली रिस्पेक्ट टू ऑल माई कलीग्स, इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस जो इस तरीके की ड्राइव, इस तरीके के एफर्ट्स को करते हैं और इन लोगों तक हेल्प पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और फिर मैं और मेरे सारे कोलीग्स हम सब यहां से पहुंचे निज़ामुद्दीन दरगाह, जहां बहुत सारे ऐसे ज़रूरतमंद लोग हमें मिले जिन्हें मदद की ज़रूरत थी। साथ ही कुछ मंदिरों के बाहर भी पहुंचे। हालात सेम थे, बस चेहरे अलग थे। फिर हम पहुंचे वृद्धाश्रम। आगे आप ही देखिए। अच्छा, लेडीज ज्यादा है। ठीक है ठीक है। चाचा नमस्ते। नमस्ते भाई जी। ठीक हो? जी जी बाबा जी। सर्दी हो रही है ज्यादा? सर्दी हो रही है चाचा? सर्दी तो पड़नी पड़नी है, जो मौसम है वो तो भगवान की दया से बना। चलो ध्यान रखो अपना, ये कंबल ओढ़ना साथ में। ठीक है मामा। हो क्या हुआ? टांगों में दर्द होती है? गिर गए थे। अच्छा, इनके भाई ने इनको छोड़ दिया है। इनके भाई ने? हाँ। अच्छा, तो कैसे चलाते हो आप इसे? खाना वगैरह, खाने पीने का कैसे करते हो? अच्छा, लोग डोनेट करते हैं। अच्छा, सब लोग जैसे हमें कभी करना हो तो हम आ सकते हैं। हैं, इस पे फोन कर ले। हाँ। तुम्हारा नाम क्या बेटा? प्रभात। प्रभात, तो फोन कौन उठाएगा? आप उठाओगे? नहीं, मैं। कोई बड़ा है आपसे यहाँ पर जो हैंडल करता है सारा? हाँ, ज्यादातर यही हैंडल करता है। वैसे सूरज, टोटल वैसे कितने लोग हैं यहाँ पे? जो बुधर टोटल 35 है यहाँ पर टोटल। और सारे ये जैसे मान लो कभी कुछ खाने का अरेंजमेंट हमें करना हो तो इस फोन नंबर पे आपसे कोऑर्डिनेट कर लेंगे। हम इतना ही मांगेंगे तो भी ऐसे कि मान लो आपको कल बुकिंग करवानी है या आज दिन में कुछ करवाना है तो एक दिन पहले कॉन्ट करना पड़ेगा। एक दिन पहले आपको बता दें तो आप उस हिसाब से अपना सिस्टम बना के रखोगे। कोई और आ रहा होगा तो उसे मना कर दोगे, है ना?
चलो ये अच्छा पता चल गया हमें, तो मान लो कभी कुछ ऐसा हो। मैं कह रहा हूँ मैं पंजाब से आया था। अच्छा। लोगों को लोग तंग कर रहे थे। कौन लोग तंग कर रहे थे आपको? पंजाब में। अच्छा। फिर भाई बोले ला मैं दाखिल करवा देता हूँ। अच्छा। सब थे। अब भाई आता ही नहीं। भाई आता नहीं अब। फोन कर दो। कितना टाइम हो गया है आपको? 25 दिन। कर दो मेरे हालत खराब, पेशाब जगह बहुत दर्द है, जख्म हो रहे, कोई दवाई नहीं दिलो। ये नई दुनिया वृद्धाश्रम है, कृष्णा नगर है ना बेटा? कृष्णा नगर में। और ये फ़ोन नंबर है ऑर्गेनाइजेशन फॉर हेल्पलेस के नाम से, और कृष्णा नगर ई सजाद नगर में। ये फ़ोन नंबर से तो आप कभी भी कुछ हेल्प करना चाहते हो तो आप यहाँ आ सकते हो, इनसे कॉल करके बात कर सकते हो। कोई खाने पीने का अरेंजमेंट करना है, कपड़ों का अरेंजमेंट करना है, किसी भी तरीके की अगर आपको कोई भी व्यवस्था और हेल्प करनी है तो आप यहाँ पर आकर मिल सकते हैं। ये प्रभात है, छोटा सा बच्चा, अपनी इच्छा से यहाँ पर है और इन सबकी, जितने भी वृद्ध यहाँ पर हैं, इनकी सेवा करता है, इनको ज़रूरत की चीज़ होती है तो इनका ध्यान रखता है। यहीं पर हो आप भी? बोल बोल आशो, मुंह दिखाओ, मुंह दिखाओ आशो, ऐसे करो। साथ ही ये भी सीखा कि खुश रहने के लिए पैसा जरूरी नहीं है।